महत्वपूर्ण खबर और आपको बता दें, बिहार के आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव ने जवान को लेकर बेहद ही शर्मनाक बयान दिया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ ही देर बाद देश की सेना के लिए सम्मान है और तो तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और तेजस्वी यादव ऐसे नेता को आप अपनी पार्टी से निष्कासित करें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना को गाली देना गलत बात है, कोई ऐसा ना करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, सेना के जवान, सेना के पदाधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बल अपने जीवन का बलिदान देते हैं और उनके खिलाफ यह गैर जिम्मेदारी मंत्री इतनी घटिया बात करते हैं, उससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। तो आपको यह भी सुनाएंगे कि आखिर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने ऐसा क्या बोल दिया जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि इसे लेकर राजनीति हो रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से बयान आएंगे तो ऐसे मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। और आपको बता दें कि इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे और इसे लेकर पूरे बिहार में सियासत चरम पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको जो रिएक्शन आ रहे हैं वो पहले सुना देते हैं। नीतीश कुमार जी, जिस प्रकार से देश और देश की सेना और देशवासी का अपमान सुरेंद्र यादव ने अपने अपशब्दों से किया है, अगर इससे आपको थोड़ा भी तकलीफ हुई होगी तो आप अविलंब उनको बर्खास्त करें। तेजस्वी जी, आप भी उनको बर्खास्त कराएं और अपने पार्टी से निष्कासित करें। आपके पार्टी के नेता हैं, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने यह घिनौना बयान दिया है, आपत्तिजनक बयान दिया है। नहीं तो समझा जाएगा कि आपने सुरेंद्र यादव जी के बातों पर सहमति जताई है। और आर्मी में जाने वालों को गाली देना है तो मैं सबको प्रणाम करता हूं, गाली देते रहे। नरेंद्र मोदी अग्निवीर को वीर बना करके देश के सामने प्रस्तुत कर चुका है, क्योंकि जो प्रशिक्षु हैं उनका कई बार स्टेटमेंट आ चुका है, उनका इंटरव्यू आ चुका है, इसलिए मुझे नहीं कुछ कहना है। सेना के जवान, सेना के पदाधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बल अपने जीवन को होम करते हैं, शहीद होते हैं ताकि देश सुरक्षित हो, और ऐसे गैर जिम्मेवार मंत्री इतनी घटिया बात करते हैं, इससे बड़े शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? उनके मंत्री सीधा देश के अग्निवीरों के बारे में कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। और क्या कर रहे हैं तेजस्वी बाबू, उन्हीं के मंत्री हैं उनके पार्टी के, हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। और ये समझ ले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कि देश के सेनाओं का अपमान बिहार की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपको सुनाते हैं आखिर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने ऐसा क्या बोल दिया था जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में, का फौज में। ये मैं बोलता हूं, 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो जब उस पर कुटुंब आवेगा, शादी ब्याह के पूछेगा क्या नाम है बाबू, तब विजय सिंह, विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबूजी के नाम अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो तो रिटायर फौजी ही हो, तो होगा भैया, अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है, चला कहाँ बेटी देके बर्बाद करवाए कर जीवन, भाग चलेगा वो, गाड़ी से भी आवेगा तो गाड़ियों छोड़ देगा, इसी पैदल भाग चलेगा वो, समझ गए ना। ये 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है, हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं कि 4.5 साल के बाद क्या व्यवस्था हो रहा है उन वीरों के लिए, उन नौजवानों के लिए। सर फोन बोल रहे, ये कहीं ना कहीं लगता है जो भारतीय सेना संदर्भ में है कि जब बढ़िया जो हमारा जो सेना है, पूरे विश्व के सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारा सेना है पूरे विश्व के इतना मजबूत है,
और जब 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बहाल होगा, आप ही बताइए। आप मेरे परिवार के लोग हैं, मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप ही देश के दिशा और दशा देते हैं, आप ही बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा, कौन सा सेना बनेगा। अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए।